नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। जम्मू वासियों के लिए और बालाजी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिसका इंतज़ार पूरे जम्मू वासी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि वादा किया गया था कि 62 एकड़ ज़मीन के अंदर मात्र 18 महीनों में जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर का यहाँ पर निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से थोड़ा विलम्ब ज़रूर हुआ, लेकिन हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थान जी के चेयरमैन जो है YB सुब्बा रेड्डी जी ने यहाँ पर विजिट किया, जिन्होंने ये वादा कर दिया है कि मात्र जून महीने के अंदर जो है ये तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो तमाम जम्मू वासियों को समर्पण कर दिया जाएगा, उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। बेहद खुशखबरी है तमाम तिरुपति बालाजी भक्तों के लिए, खास करके जम्मू वासियों के लिए। आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं और बताएंगे किस प्रकार निर्माण कार्य यहाँ पर जारी है और क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर जो है वो की जा रही हैं, और कितना समय और लग सकता है इस मंदिर को जो है वो खुलने के लिए। हम आपको भीतर लेकर जाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या निर्माण कार्य यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं और किस प्रकार सौंदर्यकरण जो है इस मंदिर का किया जाएगा। प्रोग्राम विल बी ओवर बाय ऑन 8th afternoon 10:30 11 o'clock. From 12 o'clock onwards, after the prana pratishtha and kumbhabhishekam, this temple is open for devotees for sarva darshan, that means free darshan. Any devotee without spending single rupee can come and have darshan of Lord Venkateshwara, Lord Balaji, and also have free prasadam and then go. ये खूबसूरत नज़ारा भी आप देख सकते हैं मंदिर का। चारों ओर वादियों के बीच में जंगली इलाका है चारों तरफ, और ऐसे में बीचों बीच एक खूबसूरत वादी के बीच में इस मंदिर का सौंदर्यकरण का कार्य जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि यदि जो मंदिर का ऊपरला भाग है वहाँ पर किस प्रकार जो है गोल्डन शेप के अंदर जो है उसको कलर किया जा रहा है, और इसी रंग के अंदर जो है ये पूरा मंदिर को जो है वो रंगा जाएगा। यहाँ पर व्यवस्था की भी आपसे बात करें तो तमाम स्टाफ के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था जो है वो भी की जाएगी। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाई जो मुख्य द्वार, यहाँ से मंदिर की जो प्रथम पौड़ियाँ चढ़ते ही यहाँ पर जो मुख्य एंट्रेंस रहेगी, इस प्रकार उनको भी जो है तमाम देवी देवताओं के साथ ऊपर सजाया गया है, और इस पूरे ड्योडी को भी जो है वो इसी प्रकार गोल्डन उस रंग में जो है वो रंगा जाने का भी यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो इनकी पाइपलाइन में। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर इस एरिया की यदि बात करें तो सिक्योरिटी का होना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा शहर से हटकर ये जगह ज़रूर है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जून महीने का वादा जो है वो कर दिया गया है, और जून महीने तक जो है इस मंदिर को यहाँ पर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ हम आपको लेकर आ चुके हैं मुख्य दरबार के अंदर, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़ोरों शोरों से और तेज़ी से काम इस पूरे मंदिर का यहाँ पर चलना शुरू हो गया है, क्योंकि जून महीने तक इसकी जल्द जो है घोषणा कर दी गई है कि जून महीने तक ये मंदिर तमाम बालाजी भक्तों को जो है वह सौंप दिया जाएगा। दूसरी तरफ भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी जो है लगातार बाउंड्री वॉल्स का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है, सौंदर्यकरण का काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से है, सैकड़ों की तादाद में लेबर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो वादा जम्मू वासियों से किया गया है माह जून के अंदर इस मंदिर को जो है तिरुपति बालाजी मंदिर को जो है उनके भक्तों को सौंपने का, उसको जल्द पूरा किया जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यही मुख्य मंदिर जो है वह रहेगा जहाँ पर भगवान श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति रखी जाएगी, और यहीं पर जो है सर्व दर्शन जो है वो तमाम भक्तजन कर पाएंगे, और सिर्फ इंतज़ार जो है वो मात्र लगभग 1 महीने के करीब है, ताकि उसके बाद जो है तमाम भक्तजन यहाँ पर पहुँचें और जम्मू का सबसे बड़ा तिरुपति बालाजी मंदिर जो है यहाँ पर पहुँचकर भगवान बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम भी ये कामना करेंगे कि उनकी कृपा पूरे जम्मू कश्मीर पर बनी रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कारीगर किस प्रकार जो है वह खूबसूरती का सौंदर्यकरण का काम जो है वो यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। पिलर्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से जो है इनको सजाया जा रहा है, बिल्कुल सेम जिस प्रकार यदि बाहर बात करें जिस प्रकार तिरुपति बालाजी के मंदिर बाहर हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो है वही डिज़ाइन देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शटरिंग कर रखी है, और जो भी ज़रूरत यहाँ पर रहती है इस पूरे मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए वो तमाम कार्य यहाँ पर जो है वो अंडरवे हैं। लगातार दिन रात यहाँ पर जो है वो लेबर काम कर इस मंदिर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर तत्पर है, और लगातार कार्य यहाँ पर जो है वो किए जा रहे हैं।
तो दृश्य आपने देखे तिरुपति बालाजी मंदिर के, जो कि मजीन जम्मू के अंदर बनने वाला है। 62 एकड़ जमीन के अंदर 33 करोड़ की लागत से मात्र 18 महीने का समय यहां पर बताया गया था, लेकिन दो चरणों में इस मंदिर का जो है वो कार्य संपन्न हो रहा है। और हाल ही में तिरुमाला तिरुपति बालाजी देवस्थान जो ट्रस्ट है, उनके चेयरमैन यहाँ पर वाई वी सुब्बा रेड्डी जी पहुँचे थे, जिन्होंने ये वादा किया था कि जून माह तक जो है इस मंदिर को पूरी तरह से मुकम्मल कर तमाम जम्मू वासियों को जो है वो सौंप दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं खुशखबरी है, जून माह तक ये मंदिर तैयार होने वाला है। बेहद खूबसूरत जगह पर और बेहद खूबसूरत वादी के बीच में इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो जोरों शोरों पर है। तो जल्द ही ये मंदिर जो है तमाम भक्तों को समर्पण होने वाला है। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। राजकुमार चौहान के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।